नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट मीडिया। विक्रम और शहर के सिलौटा के गली नंबर 2 में सोमवार के दिन शिव शिष्यों के द्वारा शिव चर्चा का आयोजन किया गया। इस शिव चर्चा के दौरान मंच का संचालन सुरेश सुहाना ने किया। वही इस कार्यक्रम की शुरुआत जागरण के माध्यम से सबसे पहले सुरेश सुहाना के द्वारा एक सुंदर सा भजन गाकर किया गया। इसके बाद गुरु बहन रेणु दीदी तथा उसके बाद एक और भजन सुजाता दीदी के द्वारा गाने के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो गया हो। उसके बाद मंच संचालन से नीलम दीदी और हरिंद्रानंद के द्वारा बताए गए 3 सूत्रों के बारे में भी बताया गया तथा मंच के ही माध्यम से हुई सुंदर शिव चर्चा का समापन भी किया गया। इस दौरान सभी शिष्यों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकार राकेश सिंह, सुमंत सिंह, गुड्डू सिंह तथा शिव शिष्या पुष्पा, शीला, चिंता, संगीता, रेणु, उमा, लालमुनि, इंदु, लक्ष्मीना के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। देखिए हमारे संवाददाता। तो आप लोग यहाँ पे नहीं बैठते, आप लोग के लिए काम है, आपके लिए भी घर द्वार है, बेड बिस्तर है। गुरु परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए गुरु बहन गीता जी आप मंच पे आएंगे और 3 सूत्र के माध्यम से चर्चा समर्पित करेंगे। गुरु बहन गीता जी हमनी के जीवन में कुछ भी ना रहे, खाली अंधेरे ही अंधेरे रहे। आज गुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गए। आज साहेब धरती पर कलिकाल पर हमनी के कलयुग में आके 3 सूत्र दे रहे हैं। 3 सूत्र के जरिए से हमनी के भाई के बहन के एक चटाई पर एक बंधन में एक ही रिश्ता सब कोई के लाग गई बा। वो भाव वो लगन हमनी के जीवन में ना रहे तो हमनी के शिव के आपन बना के जीवन धन करके बहुत हमनी के दया भाई यार कौन मन सताना भूलियो जने हो शिव जगत के गुरु हैं और उनको अपना बनाने पर बहुत सारा लाभ मिलता है, क्योंकि जगत के वो मालिक हैं। कोई दानी होगा तो महादानी है, कोई ज्ञानी होगा तो महाज्ञानी है,
कोई भगवान होगा तो भगवान के भी भगवान हैं, कोई देवता होगा तो महादेव हैं, उसको उनको अपना गुरु बनाने पर बहुत सारा फायदा होता है। अपना बनाएंगे तो अपना महसूस होता है। चर्चा में तीन सूत्र बताया जाता है, क्या वो सूत्र? तीन सूत्र एक साधन है। पटना जाना है, पटना जाने के लिए जिस तरह बस एक साधन है, ठीक उसी तरह शिव को अपना गुरु बनाने के लिए एक साधन है, एक सुविधा है, जिसके चल जिसको धरने से आप पटना जा सकते हैं बस को धरने से, ठीक उसी तरह शिव को अपना गुरु बनाने के लिए तीन सूत्र के माध्यम से उनको अपना बनाया जा सकता है। पहला सूत्र में है कि हे महेश्वर शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। और दूसरा सूत्र है लोगों से बातचीत करना। हम और आप गप के मास्टर हैं, बातचीत करेंगे, जितना ही शिव का बातचीत करेंगे उतना ही फायदा होता है। और तीसरा का सूत्र, किसी को भी आप गुरु बनाइएगा तो उनको प्रणाम करना अनिवार्य होता है, तो शिव को मूल मंत्र प्रणाम मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय से ही प्रणाम किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? सुरेश सुहाना, विक्रमन थाना चौक। कुछ नहीं, एक शिव शिष्य हैं, शिव जगत के गुरु हैं, हम उनका शिष्य हैं। आप लोगों के द्वारा शिव चर्चा का आयोजन किया गया है, शिव चर्चा से क्या लाभ होता है? शिव चर्चा से क्या लाभ नहीं है ये पूछिए। शिव चर्चा से तो जीवन का दिशा और दशा दोनों परिवर्तन हो जाता है। अगर हम शिव को गुरु मान लें तो हमारे जीवन का वाकई में दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन आ जाता है। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा प्राप्त होता है, लगता है कि हमारा जीवन पहले से बहुत बेहतर हो गया। शिव को जब से गुरु माना आदमी, उस समय से अनुभव करता है कि शिव कितना दयालु गुरु है। वो जगत का गुरु है, वो सदियों से गुरु था, आदि गुरु उसको कहा जाता है, जगत गुरु भी वो कहा जाता है। लेकिन हम सब ये इस बात को भूल चुके थे कि वो हमारा भी गुरु हो सकता है। लेकिन हमें इस कलयुग में एक महापुरुष आए जिनका नाम है साहब श्री हरिंद्रानंद। उन्होंने ही बताया कि जन जन के भी गुरु शिव हो सकते हैं। उस शिव को गुरु बना करके देखो, तुम्हारा जीवन सुंदर हो सकता है। और वाकई में हमने इस बात पर गौर की और हमने शिव को अपने गुरु रूप में अपनाया तो हमने देखा कि वाह, ये तो सही में बहुत पावरफुल गुरु है। ये तो वाकई में दिखता नहीं लेकिन सब सुनता है। ये हमारे पग पग का साक्षी है, हमारे पल पल का गुरु है, माने हर समय इसका साथ हमें मिलता है। ये बहुत अच्छा गुरु है, इसको गुरु बना करके ये दुनिया देखे, सबकी जीवन में इतना आनंद आएगा। देखिए, एक बात और कहना चाहूँगी कि गरीबी के उल्टा अमीरी होता है, अमीरी के उल्टा गरीबी भी आता है। लेकिन जब शिव गुरु द्वारा आपके जीवन में जब आनंद आ जाए, उस आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। तो आइए ना, हम सब मिलकर चले शिव की ओर। शिव की ओर चलने का मतलब क्या? मन से चले। हम कोई भी कारोबार करें, कोई भी धंधा करें, साथ साथ बस मन को अपने शिव की तरफ रखें। अगर हम शिव के चेला बनना चाहते तो इसमें कोई बहानाबाजी नहीं, कोई वर्जना भी आरोपित नहीं है। जैसे कि हम आदमी कहता है कि शिव चर्चा में लोग सब कुछ खाता है सब, हाँ हम मानव है ना, तो मानव से तो गलतियाँ होता ही होता है। तो शिव को गुरु बनाएंगे, अब गुरु ना हमें अच्छा बनाएगा। तो इसलिए गुरु के शरण लेकर के हमें शिव को गुरु मान करके तीन सूत्र का पालन करना होता है। उसमें करने में कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं, बस मात्र तीन सूत्र का पालन करना है। प्रथम सूत्र में दया मांगना है कि हे महादेव, तू मेरा गुरु है, मैं तेरा चेला हूँ, मुझ पर दया कर, ये भी मन ही मन कहना है। और दूसरा सूत्र जो है उनका, वो लोगों को इस उद्देश्य हेतु बताना है ताकि हमारे जीवन खुशियाँ से भर गया, आपका जीवन में भी खुशी आ सकता है। अतः आप भी शिव को गुरु बना लीजिए ना, इस उद्देश्य से हम शिव चर्चा करते हैं। और तीसरा सूत्र है उनका, सांस लो तो नमः, और सांस छूटते समय शिवाय का प्रयोग करके अपने विचार पर नमः शिवाय का प्रयोग करें, यानी उसे शिव को प्रणाम करें। यही मात्र तीन सूत्र हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तन कर देता है। हम कोई भी काम करते हुए उस देव आदि देव महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। यही है शिव चर्चा का उद्देश्य कि हम आए चले शिव के ओर, हम सब मिल करके उस परमात्मा के इस सत्ता से अवगत हों कि वो सत्ता ही हमारा गुरु है। क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया उससे बेहतर हमारा गुरु कोई नहीं हो सकता। एक बंगाली कवि लिखते हैं, सकल तुम्हारी इच्छा
इच्छा मुई तरा तुमी तुम्हार काज तुम्ही करो माँ लोके बोले करियामी देह यंत्रे तुम्हें यंत्री देह रथे तुम्ही रथी जे मोन चलाऊँ तिमन चलूँ और जे मोन कराऊँ तिमन करूँ। हे प्रभु हम भूल गए थे कि तू ही हमको बनाने वाला है, इस यंत्र शरीर रूपी यंत्र को बनाने वाला तू है प्रभु, तो इसलिए हे प्रभु हम तेरे शरणागत हो रहे हैं, तुझको गुरु मान रहे हैं। हे सदाशिव मुझे जिधर चलाओगे उधर चलेंगे और जो कराओगे वही करेंगे प्रभु, ये तेरा ही सृष्टि है, बस हम एक करता है जिसे तू करवा रहा है। हे प्रभु तू ही करता है, तू ही धरता है, सब कुछ तू है, लेकिन हमें तूने इस जीवन में कर्म करने के लिए भेजा है, उस कर्म को करते हुए हम तेरा ध्यान करते हैं। हे सदाशिव तू मेरा गुरु है, हम तेरा चेला है। यही नाम है आपका? मेरा नाम सुजाता आनंद है।